उत्तर प्रदेश के जनपद संभल कुतवाली चंदौसी में अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 बाइक सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह अपने पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना मिली कि 3 बदमाश बाइक लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही से 8 बाइक बरामद की गई है। लगातार इधर चोरियां हो रही थी, वाहन चोरी हो रही थी, उसी में अभियान के रूप में चलाया गया, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर चंदौसी और टीम ने अथक प्रयास करके एक पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया है। इसमें एक अंतर जनपदीय गैंग है जो आसपास के जनपदों में बदायूं, अमरोहा, मुरादाबाद और संभल में लगातार वाहन चोरी का काम करता था। इसके साथ ये कई जगह चोरियाँ भी करते थे। हमारे यहाँ से जब ये मौके से पकड़े गए हैं, ये 3 व्यक्ति हैं, जिसमें बाबू उर्फ हनीफ, सुहेल और दानिश, ये तीनों मिल करके चोरियां करते थे। जब कोई मॉल या किसी हॉस्पिटल के आसपास कोई गाड़ी खड़ी करके जाता था तो ये मास्टर की लगा करके, इसमें दानिश जो है मास्टर की लगा करके उसको गाड़ी वहां से उठा लिया करते थे, और सुहेल और ये बाबू और फनीफ इसमें रेकी करते थे। तो लगातार इस तरीके से कुछ चोरियाँ कर रहे थे व्हीकल की। अब ये गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से इनके निशानदेही पे जगह जगह से 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो कई मॉडल की हैं और उनका जब शिनाख्त अभी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल का वेरिफिकेशन हुआ है जो चंदौसी से ही चोरी हुई थी, और बाकी अन्य मोटरसाइकिलों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है RTO के माध्यम से और पूरे जनपद में DCRB के माध्यम से। इन सभी के निशानदेही पे जो 8 मोटरसाइकिल की प्राप्ति हुई है, उनकी वेरिफिकेशन कराने के बाद अब इनको जेल भेजा जा रहा है। कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए? 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, एक दानिश, सुहेल और बाबू उर्फ हनीफ, 3 अभियुक्त हैं। ये लगातार इस क्षेत्र में अंतर जनपदीय गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। इनके निशानदेही से 8 मोटरसाइकिल बरामद।